Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 29. And the title of lecture number 29 is The Nature and Process of Advertising Research. So today we will go into the detail of advertising research. The reason is why I choose this topic. We already covered advertising, integrated marketing communication, event management, but we will not be in a good position until or unless we have a very good source of information. And how you can collect the information naturally by doing marketing research or advertising research. So first we have a look what we are covering in today's lecture. Lecture outline. The lecture is designed to help students understand. Number one, the areas in which research help advertisers make better decisions. Number two, the characteristics and contribution of companies who participate in the design, conduct, and analysis of advertising research. Number three, how the sequential use of different research techniques leads to more successful advertising, planning, and decision making. And finally, the sequence of steps underlying successful advertising research and the types of decisions made at each step. So these are the lecture outline that we are going to cover in today's lecture. But before we start lecture, I just want to emphasize more on advertising research. I just want to share one scenario. Suppose there are two managers. One is a successful manager and unfortunately another is not as successful as his colleague. यानी मैं क्या डिस्कस करने चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च को पढ़ रहे हैं और क्यों मैं इसकी यानी कि ज़रूरत महसूस करता हूँ कि जहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग का नॉलेज है, जहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग दी गई, जहाँ पर आपको इवेंट मैनेजमेंट के मुतालिक बताया गया, वहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर दो मैनेजर्स हैं, दोनों मैनेजर्स यानी सेम इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हैं, उनका आईक्यू लेवल भी सेम है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और इन शॉर्ट दे आर मोर और लेस एट द सेम लेवल, बट वन मैनेजर इज सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशनल कैरियर एंड अनफॉर्चुनेटली द अदर वन इज नॉट एज सक्सेसफुल एज द अदर वन. So there are so many reasons why a particular manager is successful and why the same manager who have the same qualities, same caliber, same IQ level, same qualification, same experience, but he is not as successful. देखिए, reasons बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से normally जो मैं case discuss कर रहा हूँ उसमें क्या problem थी कि जो सक्सेसफुल मैनेजर था, एक्चुअली ही हैज़ गुड एक्सेस टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. देखिए, मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम ये है कि उसने डिसीजंस लेने हैं, उसने प्लान्स बनाने हैं, उसने जो भी प्रॉब्लम्स राइज होंगी उनका सॉल्यूशंस निकालना है. और अब इन सारे कामों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास लेटेस्ट, मोस्ट अपडेटेड, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर बीइंग अ मैनेजर आपके पास इंफॉर्मेशन टाइमली और अच्छे तरीके से आ रही है, अच्छे तरीके से मुराद ये है कि एक तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, दूसरी मोस्ट अपडेटेड होनी चाहिए, तीसरा ये है कि उसका जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए, और उसके अलावा यह है कि जब आपको प्रेजेंट की जाए तो वो एक बहुत ही यानी कंसाइज यानी इस शक्ल में आपके पास आए कि जहाँ पर आपको डिसीजन लेने में आसानी हो. अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो नेचुरली यू विल टेक अ बेटर डिसीजन। अब ये जो मैंने सिनेरियो आपके सामने डेवलप किया था एक सक्सेसफुल मैनेजर का और अनफॉर्चुनेटली एक अनसक्सेसफुल मैनेजर का, अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि एक जो मैनेजर है जो सक्सेसफुल है उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनसे है वो अच्छा है। जब आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी तो नेचुरली आप उस पर वाइज डिसीजन ले सकते हैं या वो डिसीजन ले सकते हैं कि जो आपको यानी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब कर सकते हैं। इसी चीज को रियलाइज करते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एडवर्टाइजिंग रिसर्च की, जहां पर हम रिसर्च को डिस्कस करेंगे फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी विल डिस्कस ओनली दोज एस्पेक्ट्स दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड। द रीजन इज आई जस्ट वांट टू गिव यू सम आइडिया हाउ इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज, especially if you want to take edge as compared to your competitors. So we will start our discussion from contribution of research. Research contributes throughout entire advertising planning process. देखें ये कहना कि रिसर्च जो सी है वो जी शुरू में उसकी जरूरत होती है बाद में उसकी जरूरत नहीं है या किसी एक खास स्टेज पे जाके आपको रिसर्च की जरूरत है, यहाँ पर हम इस चीज से एग्री नहीं करेंगे। रिसर्च जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये आपको हर स्टेज पर इंफॉर्मेशन रिसर्च आपको आपकी हर स्टेज पर आपको हेल्प करेगी, स्पेशली वो स्टेजेस जो कि हम जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेजेस, उस पर इसकी जो अहमियत है वो ज्यादा है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोई रिसर्च को सिर्फ ये नहीं है कि जी सपोज हम उसको पहले करेंगे, ये जब हम अपनी कैंपेन तैयार कर लेंगे उसके बाद हम रिसर्च करेंगे या जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगा हम तब करेंगे, बल्कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि रिसर्च कंट्रीब्यूट थ्रू आउट एंटायर एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस, कि जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग को प्लान कर रहे हो तो उसके हर स्टेज पर आपको पूरे प्रोसेस में आपको रिसर्च की जरूरत है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ पर रिसर्च की इनपुट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस में। कंट्रीब्यूशन इन फोर मेन एरियाज। अब ये जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च की जो कंट्रीब्यूशन है ये चार हमने उसको ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है कि जहां पर इसकी यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेन एरियाज जो से हैं ये कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज मार्केट, सेकंड वन इज कंज्यूमर, थर्ड वन इज क्रिएटिव, फोर्थ वन इज मीडिया। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग रिसर्च को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं किसमें अपने एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस में, तो उसके लिए आपकी फोर ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो सी है दैट इज मार्केट, सेकंड जो सा है कंज्यूमर है, थर्ड आपका क्रिएटिव है, फोर्थ आपका मीडिया है। कि आप मार्केट से मुतल्लिक आप एडवर्टाइजिंग रिसर्च कर सकते हैं कि सपोज यू वांट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ द मार्केट यू हैव, आपकी मार्केट किस किस्म की है, उसके डायनेमिक्स क्या हैं, तो आप उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। फिर यह है कि हो सकता है कि आपको अपने एडवर्टाइजिंग प्लानिंग के लिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करनी हो। अब जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिसर्च करेंगे तो उसमें फिर आप ये देखेंगे कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी वांट्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो इन शॉर्ट आप यानी कि कंज्यूमर से रिलेटेड आप कोई भी जब रिसर्च करेंगे तो वो आपका एक पर्टिकुलर और वेल डिफाइंड एरिया बन जाता है। फिर इसी तरह क्रिएटिव, अब हमें मालूम है कि जब हम कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेज करते हैं तो वहां पर हम एम्फेसाइज करते हैं कि जो मैसेज शुड बी क्रिएटिव, यानी उसमें कोई ऐसी बात हो कि जो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, कितनी नाइसली और अच्छे तरीके से आप अपना मैसेज उनसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो चीज है उसके लिए फिर नेचुरली आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी जो टारगेट मार्केट है, आपके जो कंज्यूमर हैं,
उनकी क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनको किस किस्म का मैसेज कम्युनिकेट किया जाए तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा। फिर इसी तरह मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं कि नेचुरली आपने अपना जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज है आपने किसी ना किसी मीडिया के थ्रू जो है अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है। अब उस सिलसिले में कौन सा मीडिया अच्छा है, किस टाइम पर आपको उसमें करना चाहिए, उसकी व्यूअरशिप क्या है, अब ये सारे क्वेश्चंस जो कि आपके मीडिया से रिलेटेड है अगर आप उनका आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको मीडिया से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग रिसर्च करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन सब की डिटेल में जाएंगे और हम एक एक जो मेन एरिया है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड नेचुरली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन। उससे पहले के हम डिस्कशन स्टार्ट करें उन फोर मेन एरियाज की, आई जस्ट वांट टू गिव यू कि हाउ दीज फोर एरियाज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एडवर्टाइजिंग रिसर्च प्लानिंग। देखिए हमने डिस्कस किया फोर एरियाज, मार्केट, कंज्यूमर, क्रिएटिव, मीडिया, जो कि यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो शो किए जा रहे हैं। सबसे पहले मार्केट है, कंज्यूमर है, क्रिएटिव एंड मीडिया। अब ये है कि आप हो सकते हैं किसी एक के मुतालिक आप एडवर्टाइजिंग रिसर्च करवा रहे हो, और ये भी मुमकिन है कि आप इन सारों के मुतालिक आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक हैं या चार हैं, आपने क्या करना है, इसकी जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आपने कंबाइन करना होता है, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस। नेचुरली इनके दरमियान कोई ना कोई लिंक होगा, अगर नहीं भी है तो आपको क्रिएट करना है, ताकि आपकी जो रिसर्च जो है जब तक आप उसको सिंथेसाइज नहीं करेंगे, उसको कंबाइन नहीं करेंगे, वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकेगी। अच्छा, जब आप उसको सिंथेसाइज करते हैं उसके बाद आप उसकी बेसिस पर कुछ टैक्टिक्स एंड एक्शंस जो है उनको डिफाइन करते हैं। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन। उसमें हमने डिस्कस किया कि उसमें बेसिकली चार मेन एरियाज होते हैं, वो चार मेन एरियाज क्या हैं, मार्केट, कंज्यूमर, क्रिएटिव एंड मीडिया। फिर आपको उस प्रोसेस में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर आप इन चारों से रिलेटेड आप कोई भी एडवर्टाइजिंग रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो फिर आप उसके जो रिजल्ट हैं उनको कम्बाइन करें। जब आप उनको कम्बाइन करेंगे इट विल गिव यू सम आइडिया और इंफॉर्मेशन जिसको आपने कन्वर्ट करना है अपने एक्शंस और टैक्टिक्स में। फिर उसके बाद जैसे कोई भी प्लानिंग प्रोसेस होता है उसमें हम लोग जैसे हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस किया है इस कोर्स में भी और हो सकता है आपने वैसे भी पढ़ा हो कि प्लानिंग प्रोसेस में आपकी तीन मेन स्टेजेस होती हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन आता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी कंट्रोल एंड एवेल्युएशन। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जब आप टैक्टिक्स और एक्शन जो है तो उसके बाद आपने क्या करना है, एवेल्युएशन एंड रिविजन। अब ये क्या है कि आपने जो भी टैक्टिक्स या एक्शन जो है आपने अडॉप्ट किए उसको फिर आप एवेल्युएट करते हैं, उनके रिजल्ट देखते हैं, और उसकी बेसिस पे फिर आप अपनी जो एडवर्टाइजिंग कंपेन है उसके अंदर सर्टन चेंजेस जो हैं या रिविजन्स करते हैं और उसको मजीद बेहतर करते हैं। अब ये जो है बहुत सिंपल सा एक यानी कि रिसर्च कंट्रीब्यूशन प्रोसेस है। तो जहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो से आपके वो मेन एरियाज आ रहे हैं जिनको आप एडवर्टाइजिंग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप कंबाइन करें, उसकी बेसिस पर टैक्टिक्स बनाएं, उनकी बेसिस पर आप अपने एक्शन डिफाइन करें, फिर उन्हीं टैक्टिक्स और एक्शंस को जो है उनकी एवेल्युएशन करें और उसके मुताबिक अपनी जो आपका कम्युनिकेशन है या आपका जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है, आपकी जो कंपेन है उसको रिवाइज करें। एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव योर एडवर्टाइजिंग कंपेन। इसके बाद वही जो आपके रिसर्च कंट्रीब्यूशन के जो फोर आपके मेन एरियाज हैं उनको हम वन बाय वन जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें से जो फर्स्ट वन जो है दैट इज रिसर्च कंट्रीब्यूशन द मार्केट। मार्केट सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग प्लानिंग बिल्ड्स ऑन रिसर्च ड्रिवन एनालिसिस ऑफ द मार्केट प्लेस। देखें
अगर आप कोई बी एक्टिविटी करना चाहते हैं और आप अपनी मार्केट को ही अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप कभी भी कोई अच्छी या सक्सेसफुल एक्टिविटी नहीं डेवलप कर सकेंगे। तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट के लिए आप अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज डेवलप करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट के लिए आप अपनी एडवर्टाइजिंग कंपेन बनाने जा रहे हैं, आपको उस मार्केट के मुतल्लिक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अब ये नॉलेज कहाँ से आएगा? ये नॉलेज इसी तरह ही आएगा कि अगर आप अपनी मार्केट से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसमें जो भी आपके पॉसिबल आपको आंसर्स चाहिए उनको आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी ये है कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग प्लानिंग बिल्ड्स ऑन रिसर्च ड्रिवन एनालिसिस ऑफ द मार्केट प्लेस। तो वो ये भी कह रहा है कि जी आपकी जो प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर आपकी जो है रिसर्च जो है वो मार्केट ड्रिवन नहीं होती या आप अपने मार्केट को कंसीडर नहीं करते। अब उसमें क्या है, करंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड्स। जब आपने मार्केट को स्टडी करना है, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कौन से इश्यू को एड्रेस करना चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेकिन यहाँ पर एक जर्नल सी आपको एक लिस्ट दी जा रही है कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली चीज़ जो सी है वो ये है कि करंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड, ये आपकी मार्केट में करंट ट्रेंड्स क्या हैं। जब हम करंट ट्रेंड्स देख रहे होते हैं तो क्योंकि ठीक है हमने रहना तो करंट सिचुएशन में ही है, लेकिन साथ ही हमने फ्यूचर भी देखना होता है, क्योंकि जब हम मार्केटिंग में कुछ भी काम करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को लिमिट नहीं करते टू द करंट सिचुएशन, हम ये भी देखते हैं कि ओवर द इयर्स आने वाले दिनों में इसी मार्केट में क्या यानी सिचुएशन अराइज होगी। तो यहाँ पे भी आपने जहाँ पर आप करंट एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पर आप ना पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड्स भी देखते हैं कि सेम मार्केट जो सी है वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगी। तो इस ये जो है आप मार्केट में एक ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा एक और है फोर्सेस शेपिंग द मार्केट प्लेस। देखिए आपकी मार्केट में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। मार्केटिंग को वैसे भी हम कहते हैं कि इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक। तो उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ डेवलपमेंट हो रही होती हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें जो है मंजर से गायब हो रही होती हैं। तो अब आपने ये देखना होता है कि ये जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं इसकी कॉजेज क्या हैं, इसकी रीजन्स क्या हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन सी रीजन्स हैं, वो कौन से कॉजेज हैं जो कि मार्केट में चेंजेस का बाइस बन रहे हैं। अब उसके लिए भी आपको रिसर्च की ज़रूरत है ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कौन से फैक्टर जो है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि जब आप अपनी प्लानिंग करें तो आप उन फैक्टर्स को उसी तरह ही कंसीडर करें। जो फैक्टर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको आपको ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी, जो लेस इन्फ्लुएंसियल फैक्टर हैं हो सकता है उनको आप उतनी अहमियत ना दें। हाउ मार्केट फोर्सेज इफेक्ट ऑन एंड कंपेटिटिव ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजिंग। फिर एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप ये देखते हैं कि ये जो है आपकी जो फोर्सेस हैं जो मार्केट में चेंजेस का बाइस बन रही हैं, ये जो है आपके ब्रांड को और आपके कंपेटिटर्स के जो ब्रांड है उसको कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, उस पर उनका क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये जो इम्पैक्ट जो है ये आप दोनों यानी डायरेक्शंस में देखते हैं, यू ऑल्सो एवेल्यूएट फ्रॉम योर ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो फोर्सेस हैं हाउ इट विल इफेक्ट योर ब्रांड्स एंड सिमिलरली हाउ इट विल इन्फ्लुएंस योर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो आपने ये देखना होता है। इसके अलावा जो एक और मेन एरिया है दैट इज कंज्यूमर। प्रीवियस स्लाइड में हमने मार्केट को डिस्कस किया जहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश की कि मार्केट जो है उसको उसकी रिसर्च करने की क्यों ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
अब इसी तरह रिसर्च कंट्रीब्यूशन में जो सेकंड आपका जो मेन एरिया है दैट इज कंज्यूमर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस। देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट देता हूँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपकी मार्केटिंग जो सी है वो आपके कंज्यूमर से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर पर ही ख़त्म होती है। अब मार्केटिंग की कोई भी डेफिनेशन उठाएं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं टू अंडरस्टैंड दी नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कंज्यूमर, यही हम कहते हैं ना कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है कि आप अपने कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करें। फिर उसके बाद हम लास्ट में जब मार्केटिंग का डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जी कि डिलीवर अ प्रोडक्ट इन सच अ वे वेयर यू आर एबल टू सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ योर कंज्यूमर, कि पहले आपने उसकी नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करने हैं, फिर आपने उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट कोई ऐसी सर्विसेज या कोई ऐसा सोल्यूशन देना है कि जहाँ पर आपका कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई हो, यानी कंज्यूमर से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हुई और कंज्यूमर पर ही जाकर आपकी मार्केटिंग ख़त्म हो गई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपका कंज्यूमर इतना पावरफुल है या उसका इतना इन्फ्लुएंस है या इन शॉर्ट आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक्चुअली यू आर डूइंग ओनली फॉर योर कंज्यूमर। सो अगर कंज्यूमर इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर नेचुरली आपको भी चाहिए कि आप अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करें। उसके लिए जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस, कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस मीन्स टू होम यू वांट टू अट्रैक्ट द होम यू वांट टू मार्केट योर प्रोडक्ट द पॉपुलेशन दैट यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट। तो वो आपके जो टारगेट ऑडियंस जो सी है उसके मतलब आपको इलम होना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि थ्री डायमेंशंस ऑफ टारगेट ऑडियंस एनालिसिस, हम तीन डायरेक्शन में ऑडियंस का एनालिसिस करते हैं और उसमें से जो फर्स्ट वन ये है कंज्यूमर ट्रेंड्स, अगेन हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर के ट्रेंड्स क्या हैं, कंज्यूमर किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को वो नापसंद कर रहे हैं, किस चीज़ पर वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है और किस चीज़ को लेस प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये है कि कंज्यूमर की जो लाइकिंग है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उसकी चॉइसेस हैं, उसकी जो सिलेक्शन है, ये सारे आपके डिफाइन करते हैं आपके ट्रेंड्स को। तो यहाँ पर हम यही देखना चाहते हैं जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, हमने उसकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कंज्यूमर के ट्रेंड्स क्या हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ जो कंज्यूमर में दैट इज हाउ कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस। फिर हमें एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि कंज्यूमर को जब किसी भी ब्रांड प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी सर्च कैसे करता है, वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अगर आपको ये मालूम हो जाए तो देखिए आपको मसला ही हल हो जाए, आपको पता है कि जी उसने जब उसको इस चीज़ जरूरत पड़ेगी तो उसने ये हरकत करनी है, तो आप उसी तरह ही अपने प्रोडक्ट को प्लेस करें ताकि कंज्यूमर को जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ उसको इजीली अवेलेबल हो। जब आप अपना मैसेज डेवलप करेंगे, मैसेज से मुराद ये है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग कंपेन है, आपका जो एड है, आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, उसको भी आप फिर उसी तरह ही एडजस्ट करेंगे कि जहाँ पर आपका जो कंज्यूमर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। फिर इसी तरह एक और चीज़ है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस। देखिए हमने थ्रू आउट जो है हमने जब एडवर्टाइजिंग भी हमने पढ़ी, इंडिकेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन पढ़ी, हमने हर जगह पर इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि अभी जो ट्रेंड जो चल रहे हैं मार्केटिंग में, जो न्यू ट्रेंड है उसमें हम कहते हैं कि जी आप रिलेशनशिप मार्केटिंग पर जाएं, कि आप अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें। रिलेशनशिप से क्या है कि कस्टमर जो उनसे है वो कहीं और नहीं जाएगा, आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करेंगे, कस्टमर को जब आप रिटेन करेंगे वो अपनी लॉयल्टी शो करेगा, वो अगेन एंड अगेन आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा,
तो नेचुरली आपका रेवेन्यू, आपके जो जो है उसका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो कम आएगी, आपके जो रेवेन्यू जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, आपके जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी हमने ये कहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू कस्टमर्स, इट्स बेटर टू रिटेन स्पेशली दोज कस्टमर्स हु आर स्पेंडिंग मोर। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप डिवेलप करें। रिलेशनशिप मीन्स कि जहां पर आप अपने कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करते हो और उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में उसको डिलीवर करें, जहां पर वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो और वो कभी इस चीज को सोचे भी ना कि उसने आपके ब्रांड को छोड़कर किसी और ब्रांड पर स्विच ओवर करना है। अगर तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि यू आर डिवेलपिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। तो यहाँ पर भी ये है कि अब आपने अगर रिलेशनशिप डिवेलप करना है तो उसके लिए आपको अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी फिर अगेन वही बात है कि आपको एडवर्टाइजिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग रिसर्च के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा जस्ट टू नो मोर अबाउट योर कंज्यूमर and to develop good relationship with your consumer. फिर हम थर्ड जो है आपकी मेन कैटेगरीज में से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्रिएटिव। रिसर्च हेल्प थ्रू आउट क्रिएटिव डिवेलपमेंट। देखिए, हमने क्रिएटिविटी पे भी अच्छी खासी डिस्कशन की थी, जहां मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन कर सकें कि क्रिएटिविटी क्या होती है, कुछ बड़े सिंपल एग्जांपल भी दी। तो यहां पर अब ये है कि आप कोई भी क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो वो क्रिएटिव काम उस वक्त तक उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो आपकी मार्केट आपके कंज्यूमर के साथ मैच ना करता हो। आपने कोई क्रिएटिव एक्टिविटी की लेकिन वो आपके जो ब्रांड इमेज है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो मार्केट है, उसके साथ अगर वो मैच नहीं करती तो आपके सारे जो क्रिएटिव आपके जो एफर्ट्स हैं वो यूजलेस हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई भी क्रिएटिव फ्रंट पर कोई काम करना है तो उसके लिए भी ये रिकमेंडेड है कि आप एडवर्टाइजिंग रिसर्च करें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो मार्केट है, आपके जो बायर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्रिएटिविटी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसेंशियल मैसेज। देखें, क्रिएटिविटी आप क्यों यूज़ करते हैं? आप इसलिए यूज़ करते हैं कि आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर सकें। स्ट्रॉन्ग मैसेज मीन्स कि जो आपके कंज्यूमर को जो है वो मोटिवेट करे, वो उसको इस चीज़ पर मजबूर करे कि वो आपके ब्रांड को वेटेज दे, वो आपके ब्रांड को ऑप्ट करे। तो ये जो है एक आपका जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन में जब हम क्रिएटिव की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसेंशियल मैसेज, कि आपने ये देखना होता है कि सपोज इफ आई वॉन्ट टू डिवेल्प अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग मैसेज, हाउ कैन आई क्रिएट। नेचुरली फ्रॉम क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च वेयर यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। Sometimes you have more than one options and now you want to evaluate कि which option is better for creative point of view. देखिए, कोई आपके पास वो तो नहीं है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपके पास सपोज 3-4 options हैं, choose आपने एक करना है। अब आप क्या करेंगे? How you will do that? तो एक तो ये है ना कि जी अपनी कुछ जजमेंट यूज़ कर लें, लेकिन क्या ये कोई अच्छा तरीका है? या कोई आप क्या नाम है, कोई पर्चियाँ निकाल लें, क्या ये कोई अच्छा तरीका है? नेचुरली ऑल दीज आर द नॉन प्रोफेशनल अप्रोचेस। इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रोफेशनल अप्रोच, इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरी कैलकुलेटेड सिक्योर अप्रोच, देन नेचुरली द ऑप्शन इज गो फॉर द रिसर्च।
ठीक है, आप अपने सारे ऑप्शंस जो उनसे लेकर मार्केट में जाएं, रिसर्च करें और वहां में जाके उनको एक स्मॉल स्केल पर टेस्ट करें, उसकी फीडबैक लें और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जो उनसे ऑप्शन जो उनसे है वो आपके लिए सुटेबल रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलेक्ट मोस्ट पावरफुल अप्रोचेस फॉर प्लेसमेंट इन मीडिया, विनिंग अप्रोच। देखिए, जब हम कोई भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज या एडवर्टाइजमेंट या कंपेन डेवलप करते हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है कि हम इतनी पावरफुल कंपेन बनाएं कि जब हमारी कंपेन या हमारा एड या मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो जब हम कम्युनिकेट करें, डिलीवर करें, प्लेस करें, तो उसका फौरन हमें रिस्पॉन्स आए, हमारे टारगेट ऑडियंस को जाके वो अट्रैक्ट करें। अब उस सारे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसके लिए हम एक सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं कि जी मुझे विनिंग अप्रोच चाहिए, कि जहाँ पर मैं जब कोई भी एक्टिविटी करूँ तो आई एम एबल टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट्स। अब वो जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं आपको कभी भी नहीं मिलेंगे अनटिल और अनलेस आपने अपनी जो है मार्केट रिसर्च ना की हो। तो यहाँ पर भी यही किया जा रहा है कि आपकी जितनी भी हैं स्ट्रॉन्ग या पावरफुल अप्रोचेज जो हैं वो नहीं डेवलप हो सकती जब तक कि आप उसको अपनी मार्केट में टेस्ट ना कर लें और रिसर्च ना करें। और अगर आप रिसर्च करके उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो चांसेस आर देयर कि इट विल बी अ सक्सेसफुल, मोर पावरफुल और इट विल बी अ विनिंग अप्रोच। रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्रिएटिव ही को हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर है कि रिसर्च आल्सो मेक्स अ कंट्रीब्यूशन आफ्टर क्रिएटिव इज प्लेस्ड इन मीडिया। देखिए, आपकी जो रिसर्च एजेंसी है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाती कि आपने मैसेज डिलीवर कर दिया, बल्कि वो कह रहे हैं कि जब आप अपना क्रिएटिव मैसेज जो है उसको मीडिया में प्लेस करेंगे तो उसके लिए भी फिर भी आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? ट्रैकिंग वैल्यूएशन टू डिटरमिन इन मार्केट सक्सेस। देखिए, एक तो ये है कि आपने कोई भी क्रिएटिव मैसेज क्रिएट करने से पहले आपने मार्केट में उस मैसेज को टेस्ट किया और उसकी बेसिस पे जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले आपने उसको मीडिया में प्लेस कर दिया। अब जब आपने मीडिया में प्लेस किया तो फिर आप उसके एक्चुअल रिजल्ट भी देखते हैं कि इन रियलिटी वो रिजल्ट्स किस किस्म के आए। तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है रिसर्च एजेंसी है वो आपको हेल्प करती है इस चीज़ को समझने में कि आपका जो मैसेज है वो कितना क्रिएटिव था और उसकी जो सक्सेस रेट है वो क्या है। फिर इसी तरह एक और है क्लेम सब्सटेंशिएशन कि आपका, देखें जो आपका जो होता है क्रिएटिव मैसेज या पावरफुल मैसेज उनसे है उसमें एक चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है कि लोग उस पर यकीन करें। अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी है कि जिस पे लोग यकीन ही नहीं कर रहे, बिलीव ही नहीं कर रहे, या वो ये समझते हैं कि जी ये तो सारी ऐसी बातें करते हैं, इन रियलिटी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर यह है कि आपका जो क्लेम जो है उसको कोई ना कोई यानी सपोर्ट मिलनी चाहिए। इसलिए जब कोई भी अच्छी कंपेन डेवलप की जाती है तो वो वहाँ पर इन बहुत सारी रिसर्च करते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी न किसी रेफरेंस के साथ। तो जब वो कोई क्लेम करने जा रहे होते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं कि सपोज अगर हम ये कह रहे हैं जैसे कोई भी चीज़ है कि इट्स हेल्दी, तो ये हेल्दी क्यों है? ये हेल्दी इसलिए है कि इट्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज विद द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अगर वो कहते हैं कि जी इट्स लो कोलेस्ट्रोल, तो वो साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जी ये जो ऑयल जो है ये लो कोलेस्ट्रोल कैसे है। तो आपका अगर ये कोई भी आपका क्लेम जो है अगर उसको साथ इनकी सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर आपका वो जो क्लेम जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, कंज्यूमर उसको उतनी वेटेज नहीं देता और आप वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे होते हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पर उसने वही बात की है कि आपका अगर क्रिएटिव जो है उसमें अगर आप पहले भी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बाद में भी करनी चाहिए।
बाद की रिसर्च है वो आपको ये बताती है कि आपका जो फीडबैक है, आपके जो रिस्पांस है वो क्या है, और लोगों ने आपके मैसेज को कैसे कंसीव किया है, और उसी तरह ही फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा जो फोर जो कैटेगरी थी, दैट इज मीडिया। हम डिस्कस कर रहे थे मेन आपकी जो कैटेगरीज हैं, तो उसमें से अब हम फाइनल फोर्थ नंबर पर आ गए हैं, एंड दैट इज मीडिया। अब मीडिया का क्या है कि इसमें रिसर्च हेल्प आंसर क्वेश्चन सच एज, कि जब हम रिसर्च करेंगे मीडिया से रिलेटेड तो वो हम क्यों करेंगे, वो हमारे किस किस्म के जो कंसर्न्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करेगा। देखिए जो पहली चीज जो सी है वो जिसको एड्रेस करेगा, हाउ मच आर कंपेटिटर स्पेंडिंग। देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मेरा उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कंपेटिटर्स भी है। अब मैं जब अपनी कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपेन करने जा रहा हूँ, और हमें मालूम है कि एडवर्टाइजिंग में सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव आपका जो कंपोनेंट होता है वो आपका मीडिया है। एड क्रिएट करने में भी नो डाउट आपकी कॉस्ट है, लेकिन मीडिया जो है बाइंग या मीडिया में प्लेस करने की आपकी कॉस्ट जो सी होती है सबसे ज़्यादा होती है। अब इसी चीज़ को रियलाइज करते हुए हर एडवर्टाइजर ये जानना चाहता है कि यार मेरा कंपेटिटर्स कितना खर्च कर रहा है, उसके पास भी तो ये प्रोडक्ट है, उसके पास भी तो ये ब्रांड है, तो वो अपने ब्रांड की प्रमोशंस पे कितना खर्च कर रहा है ताकि मैं भी उसके मुकाबले पे जाके ना तो उससे कम खर्च करूँ ना उससे ज़्यादा करूँ, क्योंकि मेरा उससे डायरेक्ट कंपटीशन है, तो मैं भी उतनी ही स्पेंडिंग करूँ और उससे बेहतर रिजल्ट लेकर आऊँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जी आपका कंपेटिटर्स की जो स्पेंडिंग है मीडिया पे वो कितनी है, उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। वेयर इफ एनी वेयर शुड दी एडवर्टाइजिंग बी कंसंट्रेटेड। अच्छा दूसरा ये है कि आपकी जो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने कौन से मीडियाज को सिलेक्ट करें। देखिए मीडिया इतना है, उसमें से कौन सा मीडिया जो है जिस पे कि आप कंसंट्रेट करें, जिसको आप चूज करें, जिसको आप सिलेक्ट करें, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च में आपको ये देखना है कि कौन सा जो मीडिया है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड एंड फॉर ए पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। फिर उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपको एड्रेस करना है वो ये है कि व्हेन एंड हाउ शुड एडवर्टाइजिंग बी स्केड्यूल। देखिए अब आप ये है कि सपोज आपकी प्रोडक्ट जो है वो समर से रिलेटेड है, तो भाई आप अपनी कंपेन कब स्टार्ट करें, क्या आप फरवरी में स्टार्ट कर दें, क्या आप मार्च अप्रैल में जाकर स्टार्ट करें, या जब आपकी क्या नाम है गर्मी शुरू होगी। नॉर्मली जैसे हमारे कंट्री में यह है कि अप्रैल, लेट अप्रैल या मई के बाद ही जाके हम कहते हैं कि जी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली मई तक भी मौसम बेहतर रहता है। तो उसमें यह है कि अब आपने यह है कि कौन कब आपने करना है, और उसके बाद आपका स्केड्यूल क्या होगा, क्या आपने थ्रू आउट अपने समर में पूरी कंपेन करनी है या आपने क्या नाम है ऑफ एंड ऑन करनी है। ये जहाँ पर हमने मीडिया स्केड्यूलिंग का हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्केड्यूल होते हैं, कुछ में आप कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, किस में आपकी इम्पल्स होती है। तो आपने ये देखना होता है कि क्या आप थ्रू आउट जो है एक ही एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, या इरेगुलर आप कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर दी कभी कम कर दी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपको ये सारे कैसे पता चलेगा, ये आपको तभी ही पता चलेगा कि अगर आप रिसर्च करेंगे और उसकी बेसिस पे आप अपने मीडिया को स्केड्यूल करेंगे। व्हाट इज द ऑप्टिमल वे टू यूज डिफरेंट मीडिया। फिर एक और ये भी है कि नेचुरली आपने मीडिया को कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है। कुछ मीडियाज जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, कुछ जो है वो इकोनॉमिकल हैं। फिर इस तरह ये भी है कि आप उसको क्या कम्बिनेशन यूज़ करेंगे कि आपका जो मैसेज है या कंपेन है इफ़ेक्टिव हो जाए। देखिए जब हमने मीडिया प्लानिंग की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने एक ही चीज़ जो है उसको हमने अंडरस्टैंड किया था, और वो ये था कि आपने कम से कम एक
एक्सपेंडिचर के साथ अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ इन अ मोर इफेक्टिव एंड बेटर वे आपने पहुँचाना होता है। ये आपका मीडिया प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए, मैसेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा अच्छे तरीके से और स्पेशली आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे भी ये है कि ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सर्च करेंगे कि कौन सा मीडिया इफेक्टिव है, कौन सा मीडिया जो है इकोनॉमिकल है, किस मीडिया पे कब जाना है, किस मीडिया पे नहीं एडवर्टाइज करना या कम करना है, किस पे ज़्यादा करना है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अपनी जजमेंट पे नहीं उसका डिसीजन ले सकते, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो इनसे हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। फिर व्हाट इज द बेस्ट मीडिया मिक्स, फिर फाइनली मीडिया से रिलेटेड जो भी आप जितनी भी सर्च करेंगे उसके बाद आपने एक मीडिया मिक्स डेवलप करना है। और मीडिया मिक्स यही है कि जी हम किस मीडिया पे कितना एडवर्टाइज करें, कब करें, हमारी इंसर्शंस कितनी होनी चाहिए, हमारे एक्सपेंडिचर कितने होने चाहिए। और ये आपने एक बहुत ही अच्छे यानी प्रोपोर्शन में कि जहाँ पर आप सब मीडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं और उसका यूजेज उतना ही है जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट है, और इस सारे को जब आप कंबाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं मीडिया मिक्स। सपोज मैं चाहता हूँ कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज़ करूँ, मैं प्रिंट मीडिया भी यूज़ करूँ, मैं आउटडोर भी यूज़ करूं, मैं इंटरनेट भी यूज़ करूं, लेकिन अब ये कि उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। क्या मेरी सारी कंपेन जो है वो इंटरनेट पे चली जाए, क्या मेरी सारी कंपेन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली जाए, क्या मैं सिर्फ प्रिंट मीडिया कर रहा हूं। तो आपने क्या करना होता है, आप एक कम्बिनेशन यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन योर एडवर्टाइजिंग प्लान, और उसमें आप फिर सेलेक्ट करते हैं कि आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कम्बिनेशन क्या है। वो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ द मीडिया जो है उसको हम कहते हैं बेस्ट मीडिया मिक्स। प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन, फिर दोबारा मैं उसी स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ जो कि हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी डिस्कस की थी, कि ताकि पहले आपको इसलिए बताया था कि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब इस स्लाइड को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब आपको दोबारा बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या होता है, रिसर्च की कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए हमने कहा था कि फोर इम्पॉर्टेंट आपकी कैटेगरीज हैं जो हैं मार्केट, कंज्यूमर, क्रिएटिव एंड मीडिया। अभी हमने उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कंज्यूमर को हम क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव साइड पे हमारे क्या अंडरस्टैंडिंग है, और मीडिया से रिलेटेड हमारे क्या इश्यूज हैं जिसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। अब आपकी जो भी देखें आपकी मार्केट, कंज्यूमर, क्रिएटिव एंड मीडिया से जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स आपकी आई, आपको जो इंफॉर्मेशन आई उसको आपने उसको सिंथेसाइज करना होता है, उसको आपने कंबाइन करना होता है, उसको आपने कोई मीनिंग देनी होती है, उसमें से आपने कोई चीज़ ड्राइव करनी होती है, और उसकी बेसिस पर फिर आप क्या करते हैं, आप अपने टैक्टिक्स बनाते हैं, आप अपने एक्शंस प्लान जो से हैं उनको डिफाइन करते हैं, फिर आप अपने उन्हीं टैक्टिक्स को और एक्शन प्लान्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और फाइनली जो है फिर आप उसको एवेल्युएट करते हैं और उसकी बेसिस पर आप सर्टन रिविजन्स करते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है, आपकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज है, आपकी जो कंपेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो, और उस सारे के लिए आप ये सारी ड्रिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूशन जो है उसको फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ कंडक्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन यूजर। अब हम थोड़ी सी इस चीज़ पे जाएंगे क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब आने वाली स्लाइड्स में कि अगर आपको रिसर्च करनी पड़े या करवानी पड़े, दोनों सूरतों में आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए
कि ये जो है ये क्या चीज़ है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसको कैसे कंडक्ट करते हैं और कौन से स्टेप में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंडिविजुअल्स विद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रांड एंड एडवर्टाइजिंग रिलेटेड डिसीजंस। देखिए अब ये है कि हम डिस्कशन हमारी ये हो रही है कि हु कंडक्ट रिसर्च, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक तरफ आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, एक तरफ आपका मीडिया होता है, एक तरफ आपका क्लाइंट है, ये कंपनीज हैं। अब क्वेश्चन ये है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च या रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसकी बड़ा फायदा है। लेकिन अब ये है कि इसको कौन करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो उसमें एक ये है कि इंफॉर्मेशन यूजर्स के, वो सारे यूजर जिन जो इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं वो ये मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाएं। देखिए अगर मैं एडवर्टाइजिंग कंपेन प्लान कर रहा हूँ तो मुझे मार्केटिंग रिसर्च करवानी चाहिए। अगर मैं यानी कि क्रिएटिव साइड पर हूँ तब मैं, अगर मैं मार्केट साइड पर हूँ तब भी। तो यहाँ पर यह है कि इंडिविजुअल्स विद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रांड एंड एडवर्टाइजिंग रिलेटेड डिसीजन के, वो सारे लोग जिनकी ब्रांड के साथ या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसर्च को कंडक्ट करवाए। इन्वॉल्व इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम प्लानिंग टू एप्लीकेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिसर्च जो है कि कोई एक सेगमेंट या एक कंपोनेंट या पार्ट के लिए नहीं होती, बल्कि ये है कि ये आपके थ्रू आउट जितना भी आपका जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है, बल्कि प्लानिंग टू एप्लीकेशन तक जो है उसमें ये इन्वॉल्व होती है। फिर ये है कि इंफॉर्मेशन यूजर्स जो है उसमें हम मजीद डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑन द क्लाइंट साइड आर ब्रांड मैनेजर्स एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट। अब देखिए दो कैटेगरीज होती है इंडिविजुअल्स की, एक को हम कहते हैं जी क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड पर जो है वो कौन होते हैं, एक को हम कहते हैं ब्रांड मैनेजर्स और दूसरे होते हैं रिसर्च स्पेशलिस्ट। देखिए ब्रांड मैनेजर क्या होता है, ब्रांड मैनेजर वो शख्स होता है जिसके पास फुल ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्रांड की जो भी उसकी जो पोजिशनिंग है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज है, ये सारी चीज़ें जो सी है वो उसको ब्रांड को कैसे प्लेस करना है, ब्रांड की पर्सनालिटी क्या डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें जो ब्रांड से रिलेटेड डिसीजन जो से हैं जो मैनेजर कर रहा होता है उसको हम कहते हैं जी ब्रांड मैनेजर। इसी तरह रिसर्च स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, उनकी ये स्पेशलाइजेशन होती है, दे हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट द रिसर्च एंड द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो ये है कि ये दोनों लोग जो से हैं ये कर सकते हैं और ये दोनों क्या हैं क्लाइंट साइड पर। ब्रांड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ऑफ ए स्पेसिफिक ब्रांड। अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था आपके साथ कि ब्रांड मैनेजर जो से होता है वो एक ब्रांड की यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके जितने भी उसकी जो प्लानिंग है, टैक्टिक्स हैं, उसके जो डिसीजन जो है जो शख्स कर रहा है तो उसको हम ब्रांड मैनेजर कहते हैं। और रिसर्च स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। अब ये वो शख्स होता है जिसको रिसर्च का नो हाउ होती है और वो क्या करता है, उसको पता है कि जी रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है, डेटा कलेक्शन कैसे करनी है, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, उसमें से क्या उसके यानी कि उसको मीनिंग क्या देनी है, उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे ड्राइव करनी है, उस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है और उसके बाद आपने जो है डिसीजन मेकिंग के लिए जो सजेशन एंड रिकमेंडेशन देनी होती है। तो ये सारा काम जो है ये किसका काम है, ये है रिसर्च स्पेशलिस्ट का। फिर उसके अलावा इंफॉर्मेशन यूजर में ऑल इंडिविजुअल्स ऑन द एजेंसी साइड आर इन्वॉल्व विद सर्च। लेकिन एक तो क्लाइंट साइड पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी हमने बात की, फिर एक एजेंसी साइड पर होते हैं तो वो भी उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी रिसर्च करवाएं। ये तो नहीं है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी आके आपको वैसे ही बगैर किसी रीजंस के बेसिस के कोई चीज़ सजेस्ट करे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो कोई चीज़ आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं, तो उनके पास भी कोई मार्केट रिसर्च डेटा होना चाहिए जिसकी बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करें
कि हमने ये रिसर्च कंडक्ट किया है और उसकी हमारी फाइंडिंग्स ये हैं और उसकी बेसिस पे हम आपको ये रिकमेंड करने जा रहे हैं। अगर इस तरह काम करेंगे तो नेचुरली दे विल बी एबल टू डेवलप गुड एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, गुड एडवर्टाइजिंग कंपेन्स। इन लार्ज एजेंसी देयर इज टिपिकली अ डेडिकेटेड रिसर्च डिपार्टमेंट। फिर उसने कहा कि जब एजेंसीज जो सी होती हैं जहाँ पर उनमें यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक उनमें प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि ये प्योरली रिसर्च ही कंडक्ट करते हैं। इनकी एक्सपर्टीज, इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो एनसी है वो प्योरली रिलेटेड टू रिसर्च है। तो नेचुरली जब उनका काम ही है तो वो मार्केट से रिसर्च करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, और उसमें से सर्टन इंफॉर्मेशन जो एनसी है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अपने कोलीग्स को या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ वो शेयर करते रहते हैं। स्मॉलर एजेंसीज में यूज अकाउंट और मीडिया पर्सनल टू प्लान एंड कंडक्ट रिसर्च। अब अगर ये कि जहां हमने कहा कि है अगर कोई स्मॉलर एजेंसीज है और उसका अपना रिसर्च डिपार्टमेंट अगर नहीं भी है तो वो क्या करते हैं, वो फिर मीडिया पर्सनल टू प्लान एंड कंडक्ट रिसर्च वो उनको यूज करते हैं या वो इंडिपेंडेंट लोगों को वो हायर करते हैं और उनसे स्पेसिफिक रिसर्च करवाते हैं। तो ये भी ये है कि आपके अपने भी डिपार्टमेंट हो सकता है और आप एक्सटर्नल सोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। एजेंसी रिसर्च डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि अगर कोई एजेंसी का अपना रिसर्च डिपार्टमेंट्स है तो वो क्या करता है, प्लान्स, कंडक्ट्स एंड एनालाइज ओरिजिनल रिसर्च। उनका क्या काम है कि वो प्लान भी करता है, कंडक्ट भी करवाता है, एनालाइज भी करता है ओरिजिनल रिसर्च एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट। Examines and analyzes research conducted by other companies. फिर एक और काम भी करते हैं ये देखें रिसर्च तो बहुत सारी है, इंडिपेंडेंट कंपनीज भी कर रही होती हैं, कुछ कंपनीज रेगुलर बेसिस पे रिसर्च कर रही होती हैं जिसको हम कहते हैं सिंडिकेटेड एजेंसीज। उनका काम ही है कि वो रेगुलर बेसिस पे सर्टन आस्पेक्ट्स पर वो डेटा कलेक्ट करती रहती हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती हैं, उनको डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करती रहती हैं। अब वो जो कुछ कर रही होती हैं ये रिसर्च डिपार्टमेंट जो उनसे है वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है, उसको भी एनालाइज भी करता है और उसको इवेल्यूएट भी करता है और बाज़ औक़ात उसको अपनी यानी इनकॉर्पोरेट भी करता है डिफरेंट क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के साथ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जी एक तो आप खुद कर रहे हैं, एक जो ऑलरेडी रिसर्च हो रही है उसको आप एग्जामिन करें देखें, वर्क्स क्लोजली विद क्लाइंट्स रिसर्च डिपार्टमेंट। तीसरा जो सा है वो अगर क्लाइंट्स का भी कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है, देखिए अगर एजेंसी का रिसर्च डिपार्टमेंट है तो ये भी तो हो सकता है क्लाइंट का भी कोई रिसर्च डिपार्टमेंट हो, तो वो उनके साथ मिलकर क्लोजली इन अ वेरी कोऑर्डिनेटिंग वे जहाँ पर कि वो एक दूसरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखें रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा आप इस पर मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी रिसर्च जो सा है वो इफेक्टिव होगी। रिसर्च कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। फिर यह है कि रिसर्च में बहुत सारे यानी कि इश्यूज आते हैं कि आपने डेटा कलेक्ट किया, आपका डेटा सही है, आपने एनालिसिस उसका सही नहीं किया, आपने एनालिसिस सही किया, आपने उसमें से जो चीज़ ड्राइव कर रहे हैं उसको आपने मिसजज कर लिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा लोग डिफरेंट क्रॉस यानी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग उस पर काम करेंगे उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग जो सी हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। अच्छा इसके अलावा यह कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये डिफरेंट सोर्सेज हमने डिस्कस किए, उसके अलावा कुछ एडिशनल सोर्सेज भी हैं। एडिशनल सोर्सेज में क्या है, एक आपका आता है कस्टम सप्लायर हायर्ड ऑन ए प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट बेसिस। अब कस्टम सप्लायर क्या होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी की जो सी है वो आप सर्विसेज लेते हैं और उनको आप क्या है कि उनके जब आप सर्विसेज लेते हैं उनको हायर करते हैं तो उनको ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस पर, यानी कि आप उनसे काम करवाते हैं कि जी हमने ये काम करवाना है, फिर उसके बाद आप उनके साथ कोई मजीद उनकी कोई कमिटमेंट नहीं होती है, फिर जब कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है फिर आप कहते हैं अब हम ये करवाना चाहते हैं। तो अब इसको हम कहते हैं कस्टम सप्लायर के जहाँ पर आप उनको इंगेज करते हैं
ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस, आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं होती है, कोई आपका वो नहीं है। हाँ, जब कोई प्रोजेक्ट आ गया उस पर वो काम करेंगे, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो बात खत्म, फिर कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, फिर आप उनकी सर्विसेज लेंगे। तो इस किस्म की जब आप किसी की भी सर्विसेज ले रहे हो तो उसको हम कहते हैं कस्टम सप्लायर। फिर उसके अलावा एक और जो है दैट इज सिंडिकेटेड रिसर्च कंपनी। सिंडिकेटेड रिसर्च कंपनीज जो सी हैं, ये कुछ रिसर्च कंपनीज होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर रिसर्च कंडक्ट करवाती रहती हैं। इनका काम ही ये है कि ये सपोज ये कोई ट्रेंड्स देख रहे हैं, ये आपकी मार्केट ग्रोथ को देख रहे हैं, ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये आपके फैशन ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि क्योंकि इनका बिजनेस ही ये है, इनका काम ही ये है कि ये रेगुलर बेसिस पर ये रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाकर ये डिफरेंट लोगों को सेल आउट करते हैं। सपोज अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इनको पे करूँगा, और आफ्टर पेइंग अ सर्टन फी आई विल बी एबल टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है सिंडिकेटेड रिसर्च कंपनीज जो सी हैं, ये रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती हैं, रिसर्च कंडक्ट करवाती रहती हैं, और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी है ये सेल करती हैं डिफरेंट कस्टमर्स को। मीडिया एंड कंसल्टिंग कंपनीज, सिमिलरली मीडिया और कुछ कंसल्टिंग कंपनीज जो सी हैं वो भी हैं, वो आपकी एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो आपके लिए रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस, जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई ट्रेड एसोसिएशन होती है। अब वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं ये रेगुलर बेसिस पे अपने इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करती रहती हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन ट्रेड एसोसिएशन का ये होता है कि अपनी इंडस्ट्री की जो है उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको प्रेजेंट करें। तो इन ये जो है यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे है कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कोई बैंकिंग से रिलेटेड है, कोई आपकी सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ट्रेड एसोसिएशन है, कोई मार्बल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब वो बता रहे हैं कि जी हमारी मार्बल की प्रोडक्शन कितनी है, हमारे यहाँ पर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, हमारा टर्न ओवर क्या है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी है आपको इन ट्रेड एसोसिएशन से मिल सकती है। फील्ड सर्विसेज, ये कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको फील्ड से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज क्या हैं? मिसाल के तौर पर डेटा कलेक्शन है, आपने अब डेटा कलेक्शन करना है, आपने एक एक अपने रिस्पोंडेंट के पास जाना है, तो अब वो कैसे जाएंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, डिफरेंट अपने ज्योग्राफिक एरियाज मूव करना है, अपने डिफरेंट डेमोग्राफी के साथ आपने रिसर्च कंडक्ट करवानी है। तो ये जो फील्ड सर्विसेज जो होती हैं, क्योंकि ये इनका काम ही है, ये एक्सपर्टीज होती है इनकी, इनकी स्पेशलाइजेशन है, इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं फील्ड सर्विसेज को, और ये नॉर्मली आपकी डेटा कलेक्शन में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। एक फील्ड सर्विसेज का ऐड है, जस्ट मैंने कहा कि आपको बता दें कि ये जो कंपनीज हैं ये किस तरह काम करती हैं, अपने आप को कैसे प्रमोट करती हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो ये कह रही हैं कि एक्सपर्टीज टू मीट योर चैलेंज, कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से आपके लिए फील्ड सर्विसेज ऑफर करते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि इन होम प्रोडक्ट टेस्टिंग, अब आपने अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी है, वो कहते हैं हम ये कर देंगे। वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च यूजिंग एडवांस टेक्निक्स, अगर आपने वेब पर सर्वे करवाना है तो हम आपके लिए वो कर देंगे। तो इस तरह की डिफरेंट वो सर्विसेज हैं, और ये जो है वन ऑफ द फील्ड सर्विसेज कंपनीज एड। प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च, अब ये है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च का प्रोसेस क्या है। अब देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजिंग रिसर्च पर क्या है, एक आपका तो प्रीलिमिनरी डिस्कशन एंड एग्रीमेंट्स, आप रिसर्च से पहले जितनी भी आपकी डिस्कशन होती है कुछ चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं, आप वो सारा जो है आपका सबसे यहाँ से आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है। प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन, फिर आप प्लान करते हैं कि आप कैसे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करवाएंगे, आप अपना डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, आपकी सैम्पल साइज क्या होगा, आपकी जो है पॉपुलेशन कौन सी होगी, एंड हाउ यू विल डू ऑल दिस। फिर उसके अलावा एप्लीकेशन है कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे।
अब ये जो आपके ना प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च की ये मेन आपकी कैटेगरी है, जिसमें से एक आपकी प्रीलिमिनरी डिस्कशंस एंड एग्रीमेंट्स है, फिर प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन है। अब हम वन बाय वन करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी डिस्कशंस एंड एग्रीमेंट्स। देखिए प्रीलिमिनरी डिस्कशन एंड एग्रीमेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है डिफाइन प्रॉब्लम। देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाई यू वांट टू कंडक्ट अ मार्केट एडवर्टाइजिंग रिसर्च। ठीक है, आप रिसर्च क्यों करवाना चाहते हैं। देखिए कोई ना कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई आपको ऐसी कोई फीलिंग आती है कि जिस वजह से आप कहते हैं कि जी मुझे इसको ना आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आप जस्टिफाई रिसर्च करेंगे कि जब आपको प्रॉब्लम डिफाइन हुई तो आप कहेंगे जी ये प्रॉब्लम है और उसके लिए मुझे है, और उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देंगे कि हम किस क्या चीज़ करेंगे कि हमें जो हमारा जो प्रॉब्लम है इसका हमें आंसर मिल जाएगा। फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स। आप यहाँ पर जब जस्टिफाई करते हैं तो साथ ही फिर आप कहते हैं कि जो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज एक कंपनी है, उसकी सेल्स ड्रॉप हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जी सेल्स ड्रॉप हो गए। अब सेल्स ड्रॉप होने की सो मैनी रीजंस आ गए। अब आपने पहली बात तो यह है कि जी आप कहते हैं कि जी मैं रिसर्च करवाना चाहता हूँ कि हमारी सेल्स ड्रॉप हो गई है, तो भाई आप उसको जस्टिफाई करेंगे रिसर्च से क्या पता चले कि जी यहाँ पे यूटिलिटीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही थी, प्रोडक्शन ही नहीं हुई, तो अब आप मार्केट रिसर्च करवा के क्या करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी सब कुछ ठीक था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें रिस्पॉन्स नहीं आया सपोज मार्केट से, प्रोडक्ट हमारी पड़ी हुई है, प्राइस भी ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतर है, लेकिन हमें उस तरह का मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जी मार्केट में ऐसी क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, फिर उसके लिए आप कहेंगे जी स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन नीड्स के जी चलें ठीक है, हम उसमें जाके चेक करते हैं, कंपाइटर्स के साथ देखते हैं, पोजिशनिंग देखते हैं, प्लेसिंग देखते हैं, हम रिटेलर से इंटरेक्ट करते हैं, हम कंज्यूमर को पूछते हैं। तो अब आप जो है वो आपने जस्टिफाई भी किया और आप अपने स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन नीड्स भी कर रहे हैं, फिर कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक आप अपनी कंप्लीट यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप में क्या होगी कि जी हमारी सेल्स ड्रॉप हुई और उसकी रीज़न क्या थी, आपके मार्केट में कोई इशू आया है और उसके लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। तो इस किस्म की जब आप ये सारा करेंगे इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डिस्कशन एंड एग्रीमेंट। तो ये आप एक यानी कि पहले एक ड्रिल करते हैं और ये जो ड्रिल होती है ये आपकी प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन से पहले होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी डिस्कशन एंड एग्रीमेंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें क्या है, टाइप वन रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड द इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्शंस। आपने इसमें ये देखना होता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है और आपने ये देखना होता है कि आपके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है, किसकी क्या वैल्यू है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है टाइप टू रिलेट्स टू प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर एक और ये होता है कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप देखते हैं कि जी ये इशू आया है लेकिन साथ ही हमारे पास एक ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है। फिर टाइप थ्री जो है उसमें है रिस्पॉन्स टू नीड टू ब्रॉडन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट और मार्केट, कि आप ना अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं किसके मुतलिक, अपने कंज्यूमर के मुतलिक, प्रोडक्ट के मुतलिक और मार्केट के मुतलिक। जस्टिफाई रिसर्च में आप क्या करेंगे, रिसर्च इज बेस्ट जस्टिफाइड व्हेन वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एक्सीड्स कॉस्ट टू एक्वायर। देखें अगर आपकी जो बेनिफिट है अगर आपको वो ज़्यादा है, आपकी जो कॉस्ट आ रही है किसी भी एडवर्टाइजिंग रिसर्च को कंडक्ट करवाने में वो जो मर्जी कॉस्ट है लेकिन उसके अगेंस्ट आपका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब है कि आप जस्टिफाई करेंगे जी हमें उस पर जाना चाहिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा है, हम ये स्पेंडिंग करके हम इतना ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। अब इस तरह आप अपनी जस्टिफाई करेंगे रिसर्च को। उसके अलावा कॉस्ट इम्प्लिकेशन ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन इंक्रीज।
फिर एक और चीज है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस या आपकी जो कॉस्ट जोन्स है वो आपकी बढ़ सकती है। देखिए एक चीज़ है ना कि एक प्रॉब्लम आई है, अब आप उसको नहीं एड्रेस कर रहे, उसके लिए कोई आप उसका सलूशन नहीं निकाल रहे, कोई हल नहीं ढूंढ रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब प्रॉब्लम वहीं पर रहेगी तो वो आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स का बाइस बनेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, आपकी मार्केट शेयर कम होगा, आपके कस्टमर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका ब्रांड जो है उस पर एक बैड इमेज आएगा। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए फिर आप जस्टिफाई कर देंगे, यार हमने ये चीज़ें तो नहीं करनी, वी वॉन्ट टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, सो वी हैव टू गो फॉर द ऑप्शन ऑफ रिसर्च। फिनिशिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब यहाँ पर देखें कि आपकी वो डिफाइंड प्रॉब्लम था, जस्टिफाई रिसर्च की स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स ए कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर चले जाते हैं, दैट इज द प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन। प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन में देखें अब आपके पास क्या आपके पास स्टेप्स हैं। देखिए आपने क्या करना है, स्पेसिफाई टाइप ऑफ रिसर्च, पहले आप ये डिफाइन करें कि आपने रिसर्च किस किस्म की करनी है, और उसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक आपके पास सेकेंडरी है और एक प्राइमरी। अगर आपने प्राइमरी का ऑप्शन लिया तो फिर उसमें आपके पास आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और उसके बाद आप क्या करेंगे, डिटरमिन सैम्पलिंग प्लान कि आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए, आप एक और चीज़ है सिलेक्ट डेटा कलेक्शन मेथड कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, फिर उसके बाद एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइमिंग कि आपकी कॉस्ट क्या है और आपने कब करनी है, कब स्टार्ट करेंगे, कब फिनिश करेंगे, कब आप अपनी जो है फाइंडिंग्स है उसको डेवलप करेंगे, फिर ऑब्टेन अप्रूवल, फिर आप उसकी सारी चीज़ों के लिए आप अप्रूवल लेते हैं अपनी मैनेजमेंट से या अपने जो भी हैं आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, फिर उसके अलावा प्रिपेयर मटेरियल्स, कंडक्ट रिसर्च एंड प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस, और उसके बाद आप चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, दैट इज एप्लीकेशन। ये जो स्टेप्स जो हैं ये आपके मेनली कंसर्न है विद द प्लानिंग। तो इसके अभी हम वन बाय वन इसकी हम डिटेल में जाते हैं, ये तो एक सिर्फ आपको आउटलाइन दी गई है, एक आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब हम इसके एक एक करके इसके एक स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च एग्जामिन डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विच वॉज गैदर्ड फॉर रिसर्च नीड अदर देन द करंट वन। देखें सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन डेटा जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अब ये क्या होता है कि ये डेटा जो है किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया गया था, ये आपकी जो रिसर्च है उसको हेल्प तो कर सकता है लेकिन ये प्योरली उस मकसद के लिए ये डेटा कलेक्शन नहीं की गई थी। तो वो सारा डेटा जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च डेटा। इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज में इंटरनल एजेंसी और क्लाइंट रिकॉर्ड्स, आपको एजेंसी से मिल जाएगा, आपको क्लाइंट रिकॉर्ड से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ट्रेड एसोसिएशन से आपको ये मिल सकती है, तो ये वो सोर्सेज हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोकर से आपको मिल सकती है, उसके अलावा रिसर्च कंपनीज जो सी हैं वो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये सारे जितने भी हैं आपके प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी रिसर्च। फिर इसके मुकाबले में आपकी आती है प्राइमरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च में क्या है, कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफन प्रोप्राइटरी डेटा स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। आप अपनी जो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो आपने खुद फर्स्ट हैंड ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको हम कहेंगे प्राइमरी रिसर्च डेटा। कैन टेक वन ऑफ टू फॉर्म्स, क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वांटिटेटिव हो सकता है आपका प्राइमरी रिसर्च डेटा जो है। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो प्राइमरीली यूज ओपन एंडेड प्रोबिंग क्वेश्चंस, जो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा होता है वो यूज होता है फॉर ओपन एंडेड प्रोबिंग क्वेश्चंस। कॉमन फॉर्म्स इंक्लूड इन डेप्थ इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप्स, कि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो इसके लिए आप डिटेल इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं, आप फोकस ग्रुप कंडक्ट करवाते हैं। फिर उसके अलावा मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन वन नीड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन व्हेन लिटल इज नोन, कि अगर आपको किसी की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अभी उसका मालूम नहीं, उसके लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च करवाएंगे। इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट इन प्रॉब्लम फार्मूलेशन, आपको प्रॉब्लम फार्मूलेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च करवाएंगे।
अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स एटीट्यूड फीलिंग बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। अगर आपको अपने कंज्यूमर की बिलीफ को देखना है, उनकी बिहेवियर्स को देखना है, उनकी एटीट्यूड्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? बेस्ट यूज व्हेन जनरलाइजेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। जब आपका ये इशू हो तो फिर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पर जाएंगे। स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स मस्ट बी डिटरमिन्ड, फिर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करवाएंगे। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट कि अगर आपको न्यूमेरिक डेटा चाहिए या अगर आपको बड़ा प्रिसाइज डेटा चाहिए तो फिर उसके लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करवाएंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसकी थ्री मेन टाइप्स हैं। एक आपकी आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स सिचुएशंस और पीपल्स बिहेवियर्स। ऑब्जर्वेशन कैन टेक प्लेस इन आइदर अ नेचुरल और कंक्रीट सिचुएशन वेयर द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे और मे नॉट बी नोन। देखिए एक आपका क्या होता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसमें क्या है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है बाज़ का तो उसको मालूम होता है और बाज़ का तो उसको नहीं मालूम होता, यानी ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ रिसर्च पे कि आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे कंडक्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसके अलावा एक और टाइप जो सी दैट इज फिजियोलॉजिकल। इंटेल्स द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई सच एज एन एडवर्टाइजमेंट। फिजियोलॉजिकल रिसर्च मेजर्स वॉलंटरी सच एज एन एज आई मूवमेंट्स एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स सच एज ब्रेन वेव्स एंड गिल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल है इसमें वो डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बाज़ का तो आपको ऐड दिखाते हैं, आपको उसका देखते हैं कि जी आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपके यानी कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए, कोई स्टिमुलाई प्रोड्यूस हुए, फिर इस तरह आपको ऐड दिखाया जाता है और आपकी आई मूवमेंट को देखा जाता है कि आपकी आई मूवमेंट क्या है, आपने किस चीज़ पर ज़्यादा कंसनट्रेट किया, कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा देर देखते रहे। फिर इसी तरह बाज़ वो और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि आपके जो माइंड में या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सी अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। सर्वे इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट इज़ द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स थ्रू द यूज़ ऑफ क्वेश्चनियर्स। नॉर्मली हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो आपके सर्वे रिसर्च है, जिसमें कि क्वेश्चनियर होता है, आप उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसको आप एक मीनिंग देकर एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आते हैं। सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफाइज हाउ पार्टिसिपेंट विल बी सिलेक्टेड। इसमें दो तरह के आपके सैम्पलिंग प्लान होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पल। इज अ सैम्पल इन विच ईच इंडिविजुअल और हाउस होल्ड कंप्राइजिंग द यूनिवर्स फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन हैज अ नोन चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द रिसर्च। The selection of specific individual from this universe is done purely by chance. In probability sample में क्या होता है कि हर बंदे का equal chance होता है कि to be part of the sample size. उसके मुकाबले में non-probability sample होता है is a sample of individuals selected in a purposeful way. Here the selection of individuals for study participation can be conducted on the basis of convenience or judgment. अब आपका ये क्या है कि नॉन प्रॉब्लम में आप क्या कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, आप जजमेंटल यूज़ करते हैं। कन्वीनियंस मीन्स कि मुझे क्योंकि आसानी थी तो मैंने ये कर लिया, क्या आई एम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सो आई कंडक्टेड रिसर्च ऑन द स्टूडेंट्स बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल, और बिकॉज द पीपल आर लिविंग नियर टू माई होम सो मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। तो ये है आपके जी कन्वीनियंस। बाज़ का तो जजमेंटल कि मैंने इन लोगों को सेलेक्ट किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे अच्छे रिस्पोंडेंट हो सकते हैं। अब उसका कोई भी क्राइटेरिया, अगर आप ऐसे कोई भी तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपलिंग ऑप्शन डिटरमिन्ड बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव बजट अर्जेंसी नीड फॉर जनरलाइजेशन। तो ये वो रीजंस हैं कि जिसकी बेसिस पे आपका अप्रोप्रिएट सैंपलिंग ऑप्शन डिटरमिन होता है। कौन कौन से? आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास बजट कितना है, आपके पास टाइम कितना है, अर्जेंसी है या नहीं है, नीड फॉर जनरलाइजेशन के आपकी जो जनरलाइजेशन से रिलेटेड जो नीड्स जो हैं वो किस किस्म की हैं, तो उसकी बेसिस पे आपका ये सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड। फोर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इन पर्सन फेस टू फेस आप वो कर सकते हैं, फिर उसके अलावा टेलीफोन है, मेल सर्वेज हैं,
और मेडिएटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर इंस्टेंस सर्वेस कंडक्टेड ऑनलाइन और थ्रू अ मोबाइल डिवाइस। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसकी नहीं जा रहा हूँ कि अगर आपने जब डेटा कलेक्शन करनी होगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पर्सनली उस बंदे के पास चले जाएं, फेस टू फेस टेलीफोन पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपने मेल या थ्रू ईमेल या नॉर्मल मेल के थ्रू आपने भेज दिया क्वेश्चनियर, या आपने मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू या आपने ऑनलाइन जो है आपने सर्वे को कंडक्ट करवाया। प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसर्च प्रपोजल। प्रपोजल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी, कॉस्ट, टाइमिंग, अपेंडिसेस इफ नीडेड। देखिए आपकी जो रिसर्च प्रपोजल जो सी है उसकी जो मेन कैटेगरी होती है एग्जीक्यूटिव समरी होती है। एग्जीक्यूटिव समरी जो सी एक ब्रीफ वो वन पेज या नॉर्मली वन पेज ही होती है। इसमें आप बताते हैं कि इसमें आपने क्या कैसे ये रिसर्च आपने कंडक्ट की। फिर एक बैकग्राउंड होती है, आप बताते हैं कि ये रीज़न कि क्यों ये रिसर्च कंडक्ट की गई, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने ये काम किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के इश्यूज क्या आते हैं, प्रॉब्लम क्या आते हैं, मेथोडोलॉजी का हमने कौन सा तरीका इख्तियार किया, कॉस्ट के आपके ये सारी जो इस पर कितना टाइम आपके कितना खर्चा आया, ये आपके जो रिसोर्स यूज़ हुए वो कितने यूज़ हुए, टाइमिंग के आपने कब ये रिसर्च जो है इसको कंडक्ट किया था। फिर अगर आपके पास कोई भी ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम जब रिपोर्ट के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको बहुत सिंपल और नॉन टेक्निकल वे में उसको प्रेजेंट करें, लेकिन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो टेक्निकल डेटा होता है उसको हम फिर अपेंडिक्सेस की फॉर्म में हम उसको साथ अटैच कर देते हैं ताकि अगर कोई मजीद डिटेल में जाना चाहे वो उसको देखना चाहे तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन कम्प्लीट हो। रिमेनिंग स्टेप्स में जो है वो यही है कि आपने यानी कि हमने इसको कवर किया था कि आपने कंडक्ट रिसर्च करवानी है और प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने उसको अप्लाई करना होता है कि जो भी आपने रिसर्च किया है उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपका क्या आता है कि जी आपने डेटा एनालिसिस किया होता है कि आप अपने डेटा को एनालाइज करें कि देखें कि डेटा आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखें डेटा क्या है, एक रॉ फॉर्म होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकती हैं, तो आप उसमें से क्या चीज़ ड्राइव करें, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो आपको पता चलेगा डेटा एनालिसिस की बेसिस पे। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, फिर वो जो आपकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, और उसको आपकी कोशिश होती है कि आप उसको मोस्ट सिंपल और मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में जो आप प्रेजेंट करते हैं, अपनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, आप वो जो है डिटेल्स में नहीं जाते, बल्कि एक बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में जो है उसको आप प्रेजेंट करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग टू डिसीजन मेकिंग, फिर सिमिलरली आप अपने जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं, कि आपको अब क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो सी आपकी आएंगी एप्लीकेशंस में। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और ये वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और आपके सामने प्रेजेंट की गई। और हमेशा की तरह लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपके साथ एक छोटी सी अच्छी सी बात आपसे शेयर करनी है। आज की छोटी सी अच्छी सी बात ये है कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रेस्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स। You are the one who gets burned. ठीक है, वो कहने का मकसद ये है, बड़ी सिंपल सी अच्छी सी बात है। गुस्सा हम सबको आता है, गुस्सा कहा जाता है कि एक कुदरती अमर है, लेकिन जितनी देर आप गुस्से की हालत में रहेंगे उतनी ही देर आप अपने आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसने उसके लिए एग्जाम्पल ये दी है कि गुस्सा जो है वो इसी तरह ही है कि जैसे आपने अपने हाथ में एक सुलगता हुआ एक जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है। अब आप उस जलते हुए कोयले को या सुलगते हुए कोयले को जितनी देर अपनी हाथ में रखेंगे उतनी ही देर आप ही का नुकसान होगा, आप ही का ही हाथ जलेगा, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो गुस्सा भी इसी किस्म की एक चीज है कि जितनी देर आप गुस्से की हालत में रहेंगे उतनी ही देर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए गुस्से को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा,
और इस ख्वाहिश और दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखें, इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।